नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनरों से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो क्या हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल होगी? इसके अलावा बात करें तो क्या ये कर्मचारियों ने दूसरी ओर से बड़ा ऐलान भी किया है? तो तमाम जानकारी आपके समक्ष साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार रूप से इस खबर को। तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए हजारों कर्मचारियों ने निकाली रैली। नई पेंशन योजना एनपीएस कर्मचारी महासंघ के बैनर तले पिछले कल प्रदेश के करीब 5000 कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए रोष रैली निकाली। हमीरपुर के टाउन हॉल से गांधी चौक तक सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महासम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली का संकल्प लिया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और हमीरपुर जिला अध्यक्ष राकेश धीमान की अगुवाई में निकाली गई रोष रैली में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। दूसरी ओर संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाता है तो वे सरकार का साथ देंगे, अगर ऐसा न किया गया तो अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए मानसून सत्र से पहले पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर देनी चाहिए। इसके अलावा इन कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी है कि ऐसा न होने पर प्रदेश के कर्मचारी शिमला में मानसून सत्र के दौरान सरकार के खिलाफ परिजनों सहित बड़ी रैली करेंगे। वहीं कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत हैं। वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार पेंशनरों को बातचीत के लिए नहीं बुला रही है। इससे खफा पेंशनर एसोसिएशन ने यह मामला भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तक पहुँचाया है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय से पेंशनरों को एक चिट्ठी आई है। इसमें कहा गया है कि इस पर उचित कार्रवाई होगी। पेंशनरों की यह कार्यकारिणी 27 मार्च को बनी थी, उसके बाद उनकी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ औपचारिक भेंट तक नहीं हो पाई है। तो यही थी बड़ी विशेष खबर कि हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कल हजारों संख्या में कर्मचारियों ने हमीरपुर में रैली निकाली है। तो इन कर्मचारी पेंशन ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया जाता है तो ये कर्मचारी शिमला में मानसून सत्र के दौरान परिजनों सहित बड़ी रैली करेंगे। तो यही थी बड़ी तमाम विशेष खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।